नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। में जागरूकता लाने के लिए संस्था बेटियों के साथ साथ महिलाओं को भी जागरूक कर रही है। महिला दिवस पर इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन संस्था ग्रामीण इलाके व स्लम एरिया की महिलाओं को सदस्यता दी गई, ताकि वो समाज में आगे आएं, अपने अधिकार को जानें, घरेलू हिंसा से बचे, समाज में आगे बढ़ने का उनको मौका मिले। समाज में जागरूकता लाने के लिए संस्था द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा उनको और संस्था में पद अधिकारी की जगह दी जाएगी। इससे समाज में महिलाओं को एक पहचान मिलेगी और उनमें जागरूकता आएगी और इस तरह से महिलाओं के साथ समाज में हो रहे उत्पीड़न से उनको बचाया जा सकेगा। यह तभी होगा जब महिलाओं में जागरूकता आएगी, अपने अधिकार को समझ पाएंगी, अपने साथ हो रहे उत्पीड़न का विरोध कर पाएंगी और समाज में जागरूकता भी देखने को मिल रही है। संस्था द्वारा महिलाओं में एक उत्साह दिखा, एक साहस दिखा, हिम्मत दिखी और उन्होंने भी काफी गौरव फील किया। कहा, मैडम हम भी समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, घरेलू हिंसा से बाहर आना चाहते हैं, मान सम्मान के साथ सर उठाकर जीना चाहते हैं। महिलाओं ने कहा कि संस्था से जुड़कर अपना मान सम्मान बरकरार रख सकते हैं और सदस्यता पाकर और गौरव महसूस हो रहा है। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी बेटियों के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, उनकी शिक्षा के लिए लड़ सकते हैं, बेटियों के ससुराल में घरेलू हिंसा के लिए लड़ सकते हैं, अपने साथ हो रहे जुर्म के साथ हम लड़ सकते हैं और संस्था से जुड़कर काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। और हमारी बेटियां भी संस्था बेटियों के साथ साथ महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार करती आ रही है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का, ताकि वो अपने हक के लिए खुद लड़ सके। सुल्तान खान कोषाध्यक्ष ने कहा, महिलाओं को भी और बेटियों की तरह आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो भी सुरक्षित महसूस करें। सबा खान, सुल्तान खान, राबिया बेगम, शमशाद खान आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता तौफीक खान की रिपोर्ट। तो कंधा मिला मिला कर, लेकिन आप लोग तो खुद ही पीछे चले जा रहे हैं। चंचल की मम्मी, आप भी अपनी बेटियों को, बेटी को बहुत आगे कर रही हैं, बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। एक फल बेचकर बच्ची को इतनी दूर तक, क्लैपिंग करो जी, नेशनल तक बच्ची को खेलने दे। अपने काट कर पैसे चंद कैसे कैसे कर गई, बेटियों को अपने इंटरनेशनल तक खेलने में दिए, ये नेशनल में भेजी है, ये हर जग चीजों में आगे रखती है। भगवान इनको बहुत दे। ये इंटरनेशनल प्लेयर है, अफ्रीका की गर्ल्स लीग खेली थी और भारत के सबसे बड़े स्टेडियम में, तो अभी वहां से स्टेडियम SMS जो जयपुर में है उसमें खेल कर आए। ये वो भी इंटरनेशनल, वो भी मैडम भी लेकर आई है। जोरदार क्लैपिंग करते हैं। तो हौसला होना बहुत जरूरी है, पैसे से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत से लोग पैसे रखे हैं, बच्चे किसी काबिल नहीं, किसी माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर रहे, लेकिन ये बच्ची पापा सारा दिन चिल्ला लगाती है। लेकिन बच्ची का देखिए सबसे अलग है, तो इसलिए अच्छा लगता है गार्जियन को कि बच्चों के लिए माता पिता क्या क्या नहीं करते हैं। और काजल पटेल, ये झाड़ू ठीक से